आने के लिए कविता को सरल होना पड़ा। पहले कविता बहुत कठिन थी। आज से 80 साल पहले एक कवि सम्मेलन में कवि ने कविता सुनाई कि अजा सहेली तासरिपु ताजननी भरतार, कि अजा सहेली तासरिपु ताजननी भरतार, ताके सुत के मीत को सुमिरो बारंबार। तो एक श्रोता बोला, हिंदी में सुना यार। तो कवि ने कहा कि कविता हिंदी में ही है। तो श्रोता बोला, अगर हिंदी में ही है तो फिर अर्थ बता। तो कवि ने अर्थ बताया कि अजा, अजा यानी बकरी, बकरी की सहेली भेड़, भेड़ का दुश्मन कांटा, कांटे की जननी पृथ्वी और पृथ्वी का पति इंद्र। अजा सहेली तास रिपु ता जननी भरतार, ताके सुत के मीत को, अर्जुन उसका बेटा अर्जुन और अर्जुन का मित्र कृष्ण, सुमिरो बारंबार, तो कृष्ण का बार बार स्मरण करो। तो एक श्रोता बोला कि अगर कृष्ण का ही स्मरण कराना है आफ्टर ऑल, तो इतने बाईपास से होकर जाने की क्या जरूरत थी। तो दोस्तों, जनता तक आने के लिए कविता को सरल होना पड़ा। केजी ओझा की मैंने 2.5 लाइन की एक जगह कविता पढ़ी। उन्होंने कविता लिखी कि गधे की औलाद सदा गधा, और बंदर की औलाद सदा बंदर, पर आदमी की औलाद कभी गधा कभी बंदर। क्या बात। तो कविता इस तरह से सरल होती गई। एक जगह मैंने 1 लाइन की कविता पढ़ी। कविता कैसे कैसे सरल होती गई, उसके बाद में कवियों से कविताएं सुनवाऊंगी। एक जगह मैंने 1 लाइन की कविता पढ़ी कि शादी हुई बीबी आई, कि शादी हुई बीबी आई, घर स्वर्ग हो गया और हम स्वर्गवासी हो गए। ग्वालियर के कवि हैं मुकुट बिहारी सरोज, उन्होंने बिल्कुल इशारे की भाषा में कविता लिखी। कविता इशारे की भाषा हुआ करती है। उन्होंने इशारे की भाषा में कविता लिखी कि कैसे कैसे लोग ऐसे वैसे हो गए, कि कैसे कैसे लोग ऐसे वैसे हो गए, और ऐसे वैसे लोग कैसे कैसे हो गए। कविता का ये विकास क्रम हमारे बीच में उपस्थित है। 4 कवियों के साथ सतमोला कवियों के चौपाल में आपके सामने उपस्थित हूँ। सबसे पहले मैं अशोक वर्मा जी से आग्रह करती हूँ कि वे आए और अपनी कविताएं सुनाएं। हुई एक मुद्दत दुआ करते करते, हुई एक मुद्दत दुआ करते करते, चलो अपना कह दो जफा करते करते, तेरी बेरुखी से हुए दिल के टुकड़े, चली रूह तन से दुआ करते करती, चली रूह तन से दुआ करते करती, मोहब्बत में मजनू से, मोहब्बत में मजनू से हम बन गए हैं, जमाने की रस्में अदा करते करते, जमाने की रस्में अदा करते करते, बहुत शौक से मैंने जो था खरीदा, बहुत शौक से मैंने जो था खरीदा, कफन बन गया वो कबा करते करते, कफन बन गया वो कबा करते करते। मक्ता है साहब, ना रासाई चंदन, ना रासाई चंदन मोहब्बत किसी की, ना रासाई चंदन मोहब्बत किसी की, कटी उम्र कर्जा अदा करते करते, कटी उम्र कर्जा अदा करते करते। बहुत अच्छी कविता सुनाई अशोक वर्मा जी ने। सामाजिक विसंगतियों पर अपनी बात कही। चलिए अब हिमाचल की वादियों में मैं आपको लेकर चलती हूँ। मंडी से हमारे बीच में आई हैं प्रमिला भारद्वाज जी। मैं उनसे आग्रह करती हूँ कि वे अपनी ठंडी ठंडी और बहुत अच्छे मौसम की कविताएं हमें सुनाएं। बहुत अच्छे मौसम की तो मैं क्या कहूँ, रोज़मर्रा की ज़िंदगी की बात करते हुए मैं कहूँगी कि प्रतिदिन हम लोग कितने लोगों से मिलते हैं, उनमें से अधिकतर का व्यवहार देखकर जो जो मैंने महसूस किया, जो जो मनोभाव मेरे मन में उभरे, उनको पिरो के आज आपके सामने लाई हूँ अपनी रचना इंसान बने इंसान के माध्यम से। तो प्रस्तुत है मेरी रचना कुछ इस तरह से। बहुत अच्छा। खुद को समझे यहाँ हर कोई खुदा, खुद को समझे यहाँ हर कोई खुदा, इंसान मिलेंगे कहाँ, ए खुदा तू ही बता। खुद को समझे सबक भी सिखा, खुद को समझे यहाँ।
को समझे बहुत अच्छा बाबा माने सब यही वही है सही बाबा माने सब यही वही है सही सही क्या गलत क्यों और कब हमें समझा बहुत अच्छा क्या बात है बाबा बाबा बहुत अच्छा इंसानियत से महरूम कर रहे क्यों हो खफा हमें चलते फिरते बुत ए खुदाया यूं ना बना खुद को समझे यहाँ बहुत अच्छा बाबा बहुत अच्छा चमन नकली गुलों से नहीं सकता महक बहुत अच्छा चमन नकली गुलों से नहीं सकता महक बिन इंसानियत के रूह इंसान लगे कैसे भला बहुत अच्छा बाबा बाबा खुद को समझे गुरूर का शरूर रख हम से दूर गुरूर का शरूर रख हम से दूर मगरूर न हो ना ही समझे खुद को खुदा खुद को समझे यहाँ आखिर में चंद पंक्तियां दुआ के रूप में स्वागत है क्योंकि आम आदमी से लेकर धार्मिक गुरुओं तक सबके सब खुद को खुदा समझने लगे हैं बिल्कुल सही और यही अहंकार भरा व्यवहार कहिए या बर्ताव कहिए यही है आजकल सर्वत्र फैल रही अशांति का मूल कारण भी यही है इसलिए आखिर में ये दुआ इंसानियत व मोहब्बत के नाम चाहूंगी आप सब इसमें शामिल हूं मिलजुल कर रहे सब देखे तुझे मेरब मिलजुल कर रहे सब देखे तुझे इतना करम कर इतना करम कर न चाहे बनना खुदा खुद को समझे यहाँ न कोई खुदा खुद को समझे ना कोई भी खुदा इंसान बने रहे इंसान खुद को समझे ना हम खुदा खुद को समझे ना हम खुदा बहुत अच्छी कविता सुनाई प्रमिला भारद्वाज जी ने इनकी आवाज़ जितनी अच्छी थी कविता भी उतनी ही अच्छी थी इनको बहुत बहुत धन्यवाद देते